हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुजरात की फेमस और गुजरात की मार्केट में मिलने वाले टेस्टी और लाजवाब मेथी का घोटा की रेसिपी। आप भी अगर इस तरीके से घोटा बनाते हो तो आपके भी मेथी के घोटा टेस्टी और लाजवाब बनेंगे, एकदम जालीदार बनेंगे और झटपट बन के रेडी होने वाली ये रेसिपी है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों, रेसिपी की करते हैं शुरुआत। यहाँ पर हम लेंगे दरदरा बेसन, 250 ग्राम बेसन है। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह हो तो निकाल लेनी है। अब हमें 2 बड़ी चम्मच बारीक रवा ऐड करना है, सेमोलिना। आपका बेसन अगर दरदरा नहीं है तो आप थोड़ा रवे की मात्रा ज़्यादा ऐड कीजिए, सूजी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया था, इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो दरदरा कूट के भी ऐड कर सकते हो हरी मिर्च को। आधा चम्मच ऐड करेंगे हींग, और ये मैंने धनिया और काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है, तवे के ऊपर पहले सेक लिया था और बाद में इसको दरदरा कूट लिया है, 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है घोटे का। ध्यान रखना है कुरियंडर का और ब्लैक पेपर का दरदरा हमें पाउडर बनाना है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती, कुरिएंडर लीफ एंड मेथी ऐड किया है, मेथी की पत्ती। मेथी की पत्ती को मैंने अच्छे से डंडी निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 पानी से, और इसको एक छाननी की सहायता से मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। और एकदम इसके पत्ती अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि डंडी अगर ऐड कर लोगे तो इसके अंदर कड़वाहट होती है, आपके घोटे कड़वे हो सकते हैं, तो इसकी डंडी जो होती है वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। स्वाद के अनुसार मैंने ऐड किया है नमक, और 1 चम्मच ऐड करेंगे शुगर। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे नॉर्मल पानी। खास ध्यान रखना है एक साथ पानी को नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। पानी को इस तरीके से ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए। बैटर हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठीक भी नहीं होना चाहिए। हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे किस तरीके का होना चाहिए। अभी ठीक लग रहा है, अब थोड़ा पतला कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से पतला हो चुका है। और भी थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और पतला कर लेंगे, थोड़ा सा ही पतला करेंगे। आप ये घोटा इस तरीके से ज़रूर बनाइए, सबको बेहद पसंद आता है ये घोटा। अब हम 2 चम्मच ऐड करेंगे गरम ऑयल। अभी हमने 2 चम्मच ऐड किया है, 1 चम्मच हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लेना है। अब हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आता है वो, और सोडा के ऊपर हमने 1 चम्मच ऐड किया था गरम ऑयल। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम ऑयल ऐड करने से हमारे घोटा जो है एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे, एकदम मार्केट जैसे बनेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं। तो इसके अंदर मुझे 1.5 कप के करीब पानी लगा था। बेसन के ऊपर डिपेंड करता है आपका बेसन किस तरीके का है, कहीं 1-2 चम्मच ज़्यादा भी लगता है या कम भी लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के लिए रखा था। ऑयल हमारा देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल जैसे गर्म हो जाए तो हमें हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से एकदम छोटे छोटे घोटे ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, तो ये फूल के डबल होते हैं, इसकी वजह से आप छोटा छोटा ही घोटा बनाइएगा।
ताकि अंदर से पकने में भी आसान हो जाएंगे और एकदम डबल भी हो जाएंगे। खाने में तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं। और अभी फ्राई हो रहे हैं तो मेथी की खुशबू जो है बहुत ही लाजवाब आ रही है। मेरी बेटी अभी सोफा के ऊपर बाहर बैठी है, मुझे पूछ रही है, मम्मा क्या बना रहे हो आप? मेथी की खुशबू आ रही है, क्योंकि उसको मेथी की सब्जी वगैरह बहुत पसंद है। और इस तरीके के मेथी के पकौड़े, मेथी के घोटा अगर बनाते हैं ना तो उसको बहुत पसंद आते हैं। आपके बच्चों को भी इस तरीके की रेसिपी ज़रूर बना के दीजिए। देखिए एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और भी हम पकाएंगे घोटा को, गैस की फ्लेम को स्लो करके ही पकाए ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए घोटे हमारे। देखिए कितने बड़े बड़े हमारे घोटे बन के रेडी हो रहे हैं। डबल इसकी क्वांटिटी हो चुकी है, देखिए डबल फूल चुके हैं। घोटे जब ऐड करते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐड करें और ध्यान रखें कि आपके हाथ में चटका वगैरह ना लग जाए। आप अगर पहली बार बना रहे हो तो चम्मच की सहायता से भी ऐड कर सकते हो, बस छोटे छोटे बनाए। और सोडा की मात्रा भी ज़्यादा ना ऐड करें, सोडा भी हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आधा चम्मच से भी कम ऐड करना है। एकदम छोटा सा हमारा चम्मच था और वो आधा चम्मच हमने ऐड किया है, आधा चम्मच से भी मतलब कम था सोडा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से घोटा हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, एकदम अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे इस प्लेट के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता है, घोटा के अंदर एकदम ऑयल फ्री बन के रेडी होता है। आप ज़रूर इस तरीके से इस घोटे को बनाइएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया और एकदम टेस्टी हमारे घोटा बन के रेडी हो चुके हैं। तो सारे घोटा हमें इसी तरीके से छोटे छोटे घोटा बनाते जाना है और अपने आप फूल के रेडी होता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। यकीन माने दोस्तों ये घोटा जो है बहुत ही टेस्टी होता है और सबको बेहद पसंद भी आता है। मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेकारक होती है। आप देखिए दोस्तों मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है घोटा को और मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको। मुझे कमेंट करके भी बताना कि ये घोटा आपको कैसा लगा। देखिए एकदम जालीदार, एकदम सॉफ्ट बने हैं, तो मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको। मेरे घर में सबको बेहद पसंद है। मैंने यहाँ धनिया पुदीना की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप भी आ जाइए खाने के लिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आपकी फैमिली फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो ऐसे ही अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।